तो तुम्हें अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एनिमेशन के बारे में पता लगा है और तुम भी एक हाई क्वालिटी एनिमेशन बना के व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहते हो? अगर हाँ तो ये करने का सबसे पहला स्टेप आता है गेट बेटर एट ड्राइंग फर्स्ट। देखो एनिमेशन इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, तो अगर तुम एनिमेशन बना रहे हो तो तुम एक तरह से ड्राइंग ही बना रहे हो और इसीलिए जब तक तुम ड्राइंग में अच्छे नहीं होगे तब तक तुम एनिमेशन में भी अच्छे नहीं हो सकते। तो ड्राइंग में बेटर होने के लिए तुम्हें मेनली तीन चीज़ें करनी है, पहला एक स्ट्रांग फाउंडेशन, दूसरा फाइंड सम रेफरेंसेस और तीसरा प्रैक्टिस। तो अपनी ड्राइंग को बढ़िया बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन लाइंस बनानी है। तुम्हें कभी भी कोई ड्राइंग बनाते वक्त सीधा उसकी डिटेलिंग में नहीं घुसना है, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है तुम्हारी ड्राइंग में डिटेलिंग तो अच्छी दिख रही हो पर वो ओवरऑल बहुत ही बेकार लगेगी। इसीलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करो। कंस्ट्रक्शन लाइंस वो लाइंस होती है जिनकी मदद से तुम किसी भी ड्राइंग को सिंप्लीफाई करके बेसिक शेप्स और लाइंस में ड्रॉ करते हो। देखो चीजों को शेप्स में डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं, पहला ओवरऑल शेप को समझना जिससे तुम्हें उस शेप की साइकोलॉजी के बारे में पता लगता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, और दूसरा है मेन पार्ट्स को शेप्स में डिवाइड करना। पर अब ये तुम एक्चुअल में करोगे कैसे? तो उसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे रेफरेंसेस। तुम जब भी कोई ड्राइंग बनाओ तुम्हें हमेशा रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पे अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम जितना ज़्यादा रेफरेंसेस को स्टडी करके उनको प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारे लिए उतने ही बेनिफिशियल होंगे। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा ये सब जानने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें दिन में एटलीस्ट एक पेज तो ड्रॉ करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो एकदम फुल फ्लेज्ड हाईली डिटेल्ड होनी चाहिए। अगर तुम एक डेली छोटा सा थंबनेल स्केच भी बनाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। वैसे इस पे एक बहुत ही जबरदस्ती वीडियो जल्दी आने वाली है, तो तैयार रहना क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्टार्ट स्लो एंड स्टडी। देखो तुम पहले दिन से एकदम हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाने नहीं लग जाओगे, इसीलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करो। और एनिमेशन में सबसे बेसिक और सिंपल चीज है बॉल बाउंसिंग एनिमेशन। दुनिया की किसी भी एनिमेशन को बनाने से पहले तुम्हें एक बॉल को बाउंस करते हुए बनाना है। दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े एनिमेटर हैं सब ने अपनी शुरुआत बॉल बाउंस एनिमेशन बना के ही करी है। अगर तुम एक बार बॉल बाउंस एनिमेशन के मास्टर बन गए तो समझ लो तुम काफी हद तक एनिमेशन तो वहीं से सीख गए। एक बार बॉल बाउंस के मास्टर बनने के बाद तुम कुछ इस तरह की एनिमेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है और फिर जाके तुम कैरेक्टर एनिमेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है नेवर डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। ये गलती मैंने बहुत सालों तक करी है। मैं एक ही टाइम पर लगभग सभी चीज़ें करने की कोशिश किया करता था। जैसे किसी दिन मुझे वीडियो एडिटिंग की सुंदर सी वीडियो दिख गई तो मुझे वीडियो एडिटिंग करने का चस्का लग गया, फिर मुझे किसी दिन ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियो दिख गई तो मैं वो करने लग गया। इस तरह से मैंने 3D मॉडलिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, स्कल्पचर मॉडलिंग, लोगो डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, UI/UX डिजाइनिंग और भी ना जाने क्या क्या काम कर रखे हैं। मतलब मैं दुनिया जहान के जितने काम है सब एक साथ करना चाह रहा था, एंड गेस व्हाट, मैं उनमें से एक भी नहीं कर पाया। आज से करीब 3 साल पहले मैं उस वक्त एक ही टाइम पे अपने स्कूल भी जा रहा था, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा था और यूट्यूब पे कंटेंट भी क्रिएट कर रहा था और भी पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँगा जो मुझे अभी याद नहीं है। इसलिए मैं कहीं पे भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ एक चीज़ है कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, बाकी इनमें से किसी चीज़ में मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए पिछले 2 साल से मैं फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और यूट्यूब पर तुम लोग को एनिमेशन बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए पहले एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या एनिमेशन ही बनानी है, और एनिमेशन में भी स्पेसिफिक 2D एनिमेशन बनानी है, 3D एनिमेशन बनानी है या स्टॉप मोशन एनिमेशन बनानी है, वरना मेरी तरह तुम भी अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। अब हमारा 4th पॉइंट आता है लर्न एनिमेशन प्रिंसिपल्स। मैं इस टॉपिक पर इससे पहले भी बात कर चुका हूँ पर अभी भी तुम में से काफ़ी सारे लोग एनिमेशन प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस को अभी तक नहीं समझ पाए हो। देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे स्टार्टिंग में मैं भी अवॉइड किया करता था, बट ट्रस्ट मी, मैंने जिस दिन से अपनी एनिमेशन में प्रिंसिपल्स का यूज़ करना स्टार्ट करा है उसी दिन से मेरी एनिमेशन अच्छी होनी शुरू हुई है। ये जो एनिमेशन तुम्हें अभी दिखाई दे रही है ये मैंने आज से लगभग 3 साल पहले बनाई थी और ये एनिमेशन मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाई है। वैसे तो एलन भैया ने इस पर ऑलरेडी बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है, पर अगर तुम चाहते हो कि इस पर मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर तुम्हारे दिमाग में अब भी कोई सवाल बाकी है तो वो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो।